बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहिब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ असद हमज़ा। आज हम चैप्टर नंबर 11 लेक्चर नंबर 12 यानी कि चैप्टर नंबर जो 11 है उसका सेकंड लेक्चर जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, जो है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब ये है मेंटेन रखना इंटरनल कंडीशन को एट इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल चेंज, यानी कि बाहर के माहौल को मद्देनज़र रखते हुए इंटरनल जो कंडीशंस होती हैं उनको मेंटेन रखना, इक्विलिब्रियम की हालत में रखना, उसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। और इसी तरह प्लांट्स जो हैं वो भी अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखती हैं। तो प्लांट्स का अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखना, डेट इज नोन एज होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। अब ये कैसे रखती हैं कि ये अपने अंदर से जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन होती है ये उसको रिमूव करवाते हैं। इसके अलावा रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, जो वाटर है एक्स्ट्रा उसको भी रिमूव करवाया जाता है। और प्लांट्स के पास कुछ वेस्ट मटेरियल, मेटाबॉलिक वेस्ट होती है जिसको रिमूव करवाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, यानी कि प्लांट के पास जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होगी और जो ऑक्सीजन होगी ये किस तरह से उसको अपनी बॉडी में से रिमूव करवाएगा। तो इससे पहले हमें दो प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले है जी फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सूरज की रोशनी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने की वजह से ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन बनती है। और वो जो ऑक्सीजन है वो है जी एज अ बाई प्रोडक्ट, यानी कि वेस्ट मटेरियल है जो कि इंसान जो है ना अपने लिए इस्तेमाल करता है। हम सांस के ज़रिए से ऑक्सीजन जो है उसको अंदर लेके जाते हैं, बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो वाटर है ये हमारे पास जो प्लांट है तो प्लांट जो है वाटर को ज़मीन में से, सॉइल में से एब्जॉर्ब करता है वाटर को। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो इन्वायरमेंट में से जज़ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब ये दोनों चीज़ें उसको हासिल होती हैं तो सूरज की मौजूदगी के, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में वो ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन बनाते हैं। और वही जो ऑक्सीजन है वो ह्यूमन बीइंग्स, जो एनिमल्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस का उल्टा है, यानी यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलती है। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिले तो बनता है जी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिली और बना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब हम ये फोटोसिंथेसिस के अमल में जा रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिलता है,
वाटर मिले तो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में बनता है जी ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स कि फोटोसिंथेसिस क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। तो इससे हमें यह पता लगा कि जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है ये सूरज की रोशनी में ही होगा, सूरज की रोशनी के बगैर नहीं होता। लेकिन जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है ये सूरज की रोशनी के बगैर भी हो सकता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती रहेगी और वही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस्तेमाल करेंगे प्लांट्स और प्लांट्स हमें देंगे ऑक्सीजन और वही जो ऑक्सीजन होगी वो दोबारा से ह्यूमन बीइंग्स में आएगी। जैसे इधर मैं ह्यूमन है और साथ में है जी प्लांट्स। ह्यूमन जो है रेस्पिरेशन के ज़रिए से ये कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है इन्वायरमेंट से, और प्लांट्स ने ऑक्सीजन देनी होती है जो कि ह्यूमंस जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में जब रात का वक़्त आता है तो सूरज की रोशनी नहीं मिलती तो उस वक़्त ये जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है वो नहीं होता। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा कि डे टाइम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस होती है, डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। वो कैसे प्रोड्यूस होगी कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ज़रिए से, कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए से, जो कहाँ पे यूटिलाइज की जाती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, प्लांट्स उसको फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं। अगेन मैं अपनी बात को रिपीट करता चलूं कि जब डे टाइम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। किसके ज़रिए से प्रोड्यूस होती है? सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए से, कि जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए से तो ये यूटिलाइज कहाँ पे की जाती है, यूटिलाइज कहाँ पे होती है, ये इस्तेमाल कहाँ पे होती है? ये फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होती है, जिसमें हमने कहा कि जो प्लांट है ये ज़मीन में से वाटर और इन्वायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को सूरज की मौजूदगी में लेकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। तो चूंकि सनलाइट सूरज की रोशनी डे टाइम में ही होगी तो ये डे टाइम के अंदर तो प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन जब नाइट टाइम आता है तो उस वक़्त सूरज की रोशनी नहीं होती। जब सूरज की रोशनी नहीं होगी तो इट्स मीन कि ये जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है ये भी नहीं होगा। जिस वक़्त फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस नहीं होता तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इस्तेमाल नहीं हो पाती तो इसको रिमूव कर दिया जाता है, प्लांट्स इसको रिमूव कर देते हैं लीव्स के ज़रिए से, स्टेम के ज़रिए से और रूट हेयर्स के ज़रिए से, यानी कि जो रूट्स होते हैं उनके आगे भी स्मॉल छोटी छोटी हेयर्स लगे होते हैं जिनको बोला जाता है रूट हेयर्स। तो स्टूडेंट्स ये था कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं जी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है ये मेसोफिल सेल्स में से प्रोड्यूस होती है जो एज अ बाई प्रोडक्ट इस्तेमाल की जाती है, बाई प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल की जाती है और इसको रिमूव करवाया जाता है थ्रू स्टोमेटा। जो लीव्स हैं उनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है स्टोमेटा, जिनके ज़रिए से वो गैसों का तबादला करते हैं।
तो ऑक्सीजन को रिमूव करवाया जाता है स्टोमेटा के थ्रू। ये था स्टूडेंट हमारा रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जिसमें दो प्रोसेस हमने देखे, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं जी रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, यानी कि जो प्लांट्स के पास एक्स्ट्रा वाटर होगा, अजाफी जो पानी होगा, वो उसको किस तरह से वेस्ट करवाते हैं। जिस वक्त बारिश होती है तो बारिश होने की वजह से पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में हो जाता है, और उसी पानी को, उसी वाटर को जो ज़मीन होती है वो जज़ब कर लेती है। जज़ब करने के बाद जो प्लांट होते हैं वो रूट हेयर्स या रूट्स के ज़रिए से उस वाटर को एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। तो जिस वक्त प्लांट के अंदर पानी की मकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो वो किस तरह अपना इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए अपने अंदर से वाटर की रिमूवल करवाते हैं, वाटर को बाहर निकालते हैं। तो प्लांट्स जो हैं, हमें पता है कि ये सॉइल में से, ज़मीन में से, मिट्टी में से पानी को जज़ब करते हैं और ये पानी को स्टोर कर लेते हैं अपने सेल्स के अंदर। अब जब इनके पास एक्स्ट्रा वाटर इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, तो ये अपने अंदर से जो वाटर है उसको रिमूव कैसे करवाते हैं? तो डे टाइम के अंदर क्या होगा जी, डे टाइम के अंदर ये अपनी बॉडी में से पानी को रिमूव करवाते हैं ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में से, के ज़रिए से। ट्रांसपायरेशन प्रोसेस कौन सा है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी कि जो प्लांट्स की सरफेस है उसमें से पानी को रिमूव करवा देना इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, यानी कि बुखारात की शक्ल में जो पानी होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं जी नाइट की। जब रात का वक़्त आता है तो उस वक़्त जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपायरेशन जो है, जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है ये नहीं हो रहा होता। तो प्लांट्स, वो क्यों नहीं हो रहा होता? क्योंकि अक्सर जो प्लांट्स हैं, मोस्टली प्लांट्स जो हैं, उनका स्टोमेटा बंद होता है। जब स्टोमेटा बंद होगा तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी नहीं हो रहा होता। तो जब प्लांट्स रात के वक़्त ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं होता, तो एक ख़ास किस्म का अमल चल रहा होता है जिसको हम कहते हैं गुटेशन। इससे पहले कि हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल, के प्लांट्स के अंदर पानी की मकदार जब ज़्यादा हो जाती है तो वाटर इंटर रूट्स, जो पानी जो है वो रूट्स के अंदर इंटर हो जाता है और अकामुलेट इन वेजल्स। अब किस वेजल्स में? यहाँ देखें, ये एक प्लांट है, प्लांट का ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं कि ये रूट्स हैं, और रूट्स के अंदर ऐसे यहाँ पे एक वेजल मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं जाइलम। तो ये जो वाटर है ना, एक्स्ट्रा वाटर जो होगा ये जाइलम के अंदर जमा हो जाएगा। जब जाइलम में जमा हो जाता है तो नाइट टाइम के अंदर जो प्रोसेस चलेगा उसको हम कहते हैं ग्यूटेशन। ग्यूटेशन में आपने देखा होगा कि अक्सर जब जो लोगों ने, जिनको प्लांट्स वगैरह का शौक़ होता है, तो घरों के अंदर ही उन्होंने प्लांट्स वगैरह लगाए होते हैं, जिस तरह घास वगैरह होती है वो भी लगाई होती है। तो जब सुबह सुबह उठते हैं तो घास के ऊपर ही जो है ना, वाटर के ड्रॉप्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। अब वो जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्यूटेशन, यानी कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट्स के पास वो भेज देता है जी टिप्स ऑफ लीव्स, यानी कि जो प्लांट्स, जो प्लांट होता है, जो पौधा होता है, उसका जो पत्ते हैं उनकी टिप्स के ऊपर वाटर जो है वो एक्स्ट्रा चला जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्यूटेशन। तो इसमें से हमें ये पता चला कि जो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर है, अगर डे टाइम के अंदर हो तो
तो उसमें जो प्रोसेस चलता है वो ट्रांसपाइरेशन का है, अगर रात के वक़्त हो तो वो जो उसमें प्रोसेस चलेगा वो ग्यूटेशन का होता है, जिसमें हम सुबह सुबह उठें तो ग्रास के ऊपर जो है ना वो पानी जमा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये जो शबनम के कतरे हैं बेसिकली वो एक्स्ट्रा वाटर होता है जो प्लांट्स के पास होता है, वो रात के वक़्त उसको अपनी बॉडी में से रिमूव करवा देते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि मेटाबॉलिक वेस्ट कौन सी होती है, यानी कि जो एक्स्ट्रा, यानी कि हम कहते हैं कि फजूल जो मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं कि वो मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ये कुछ प्लांट्स जो हैं उनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो मौजूद होता है, जिसको वो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी भी प्लांट्स के पत्ते की, तो वो जो पत्ता है ना उसका कलर होता है सबज, जब उसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट आ जाता है तो उसी पत्ते का कलर जो है वो हो जाता है जी पीला, और प्लांट जो है वो अपना पत्ता जो है उसको ज़ाया कर देता है। बेसिकली वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है उस प्लांट का जो पत्ता है उसके अंदर स्टोर हो जाता है, जिसकी ज़रूरत प्लांट को नहीं होती, और उसको वो जिस्म से बाहर खारिज कर देता है। तो इसी तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं जी टमाटो की। टमाटो जो है इसके अंदर मौजूद होता है कैल्शियम ऑक्सैलेट। अब ये जो कैल्शियम ऑक्सैलेट है, अब इसकी ज़रूरत जो है वो टमाटर का जो प्लांट है टमाटो का उसको तो बिल्कुल नहीं होती, तो ये उसके लिए क्या है जी मेटाबॉलिक वेस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें मुख्तलिफ और भी कुछ प्लांट्स की, कुछ ट्रीज़ की, तो जो रीजंस है ये हासिल होती हैं कॉनिफर्स में, कॉनिफर्स से, और जो गम्स हैं ये हासिल होती हैं कीकर में से। आपने कीकर का पौधा जो बड़ा मशहूर है दरख्त होता है कीकर का, तो उसमें से एक जेल लाइक रबड़ की तरह कुछ गम्स निकलती हैं जो कि वेस्ट मटेरियल होता है उस ट्री के पास। अब वो जो वेस्ट मटेरियल ट्री के पास है इन द फॉर्म ऑफ गम्स, अब उसके लिए तो ये वेस्ट है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स है उसको हम मुख्तलिफ अद्वियात बनाने के लिए भी वो गम्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और हमारे लिए वो बेनिफिशियल भी होते हैं। इसके बाद जो लैटिक्स है ये रबर प्लांट्स जो है वहाँ से हासिल होता है। म्यूसीलेज जो है ये कार्निवर्स से हासिल होता है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल्स होते हैं ये केमिकल्स वगैरह भी जो है हमें इनके मेटाबॉलिक वेस्ट में से जो है ना वो हासिल होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि हमने डिस्कस किया है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स में हमने फर्दर जो इसकी टाइप्स देखी कि प्लांट्स में से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को किस तरह से रिमूव करवाया जाता है। इसमें हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखा कि डे टाइम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह यूटिलाइज होती है और नाइट टाइम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यूटिलाइज होती है। अगर वो यूटिलाइज नहीं हो रही तो किस तरह से प्लांट जो है उसको रिमूव करवाता है। तो इसके साथ हमने ऑक्सीजन भी देखी कि ऑक्सीजन को स्टोमेटा के ज़रिए से रिमूव करवाया जाता है। नेक्स्ट जी रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, के प्लांट्स के पास जब एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है तो वो उसको किस तरह से अपनी बॉडी में से रिमूव करवाते हैं। तो इसमें हमने टू टर्म्स देखी हैं, ट्रांसपाइरेशन की और ग्यूटेशन की। तो एंड पे हमने स्टूडेंट डिस्कस किया रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट के पास जो कि उस जिसकी ज़रूरत प्लांट को नहीं होती वो किस तरह से बॉडी में से रिमूव करवाया जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स पढ़ा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो इसको अच्छी तरह से तैयार करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।